बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 वीकेंड के बाहर पर आखिरकार सलमान खान के फटकार के कौन कौन बनेंगे शिकार। आइए जानते हैं कैसे फुकरा इंसान और एल्विश यादव हैं इस बार के वीकेंड के वार पर निशाने पर। वेल गाइस, आपको बता दूं कि वीकेंड के वार पर सलमान खान इस बार लगाने वाले हैं कॉन्टेस्टेंट्स की जमकर फटकार, जहाँ सबसे पहले नंबर पर होगा बेबिका, क्योंकि बेबिका है निशाने पर। बेबिका ने जिस तरीके से मनीषा रानी को टास्क के दौरान धक्का मुक्की और फिजिकल वॉयलेंस किया था, इसके लिए डेफिनेटली उन्हें फाइनली सलमान खान फटकार लगाने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर फुकरा इंसान और एल्विश यादव को जमकर इस हफ्ते टारगेट किया जाएगा, क्योंकि दोनों ने बाहर की दुनिया की काफ़ी सारी बातें की हैं और इनके फुटेज को भी काफ़ी लंबे समय तक दिखाया गया था, ताकि खासकर उसे फोकस करते हुए सलमान खान इन्हें तरीके से फटकार लगा सके। अक्सर फुकरा इंसान और एल्विश यादव बाहर की बातें करते हैं जो कि बिग बॉस के घर में अलाउड नहीं है और ये नियमों का उल्लंघन है। उस हिसाब से सलमान खान इन्हें डेफिनेटली डांट लगा सकते हैं। तो वहीं अगली नंबर आएगी पूजा भट्ट की, जहां उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर बनाया गया था, लेकिन उनके कहीं ना कहीं जितने भी डिसीजन थे वो गलत निकले। खास तौर पर उन्होंने जिस तरीके से पासिंग स्लॉट के लिए मनीषा का नाम दे दिया था, इसको भी लेकर सवाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो फुकरा इंसान को एज शेमिंग को लेकर फटकार लगेगी, क्योंकि फुकरा इंसान ने कहीं ना कहीं अविनाश को 37 साल का बुढ़ा कह दिया था और बार बार ये कहते हुए नजर आए थे। अब इसको लेकर फुकरा इंसान जबरदस्त तरीके से एज शेमिंग को लेकर उन्हें फटकार डेफिनेटली पड़ने वाली है। इसके अलावा मनीषा रानी के लिए भी कोई ना कोई नए ट्रिक्स निकाले जाएंगे उन्हें फटकार लगाने के लिए। तो वही मेन मुद्दा आएगा एविक्शन का, आखिरकार किसका होना है एविक्शन। तो आपको बता दूं कि ना तो मनीषा और ना ही आशिका, बल्कि पूजा भट्ट इस हफ्ते होने वाली है बिग बॉस के घर से एविक्ट। तो उस हिसाब से पूजा भट्ट टाटा बाय बाय कह सकती है बिग बॉस के घर को। तो देखा जाए तो ये है पूरी तरीके से मामले, जिसमें सलमान खान आज अपना दम दिखाकर वीकेंड के बार पर सबको लगाएंगे जमकर फटकार। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और वीकेंड के बार के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें बताएं कमेंट करके।